नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर या बहुलक। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ है बहुत सारी और मर्स का अर्थ है यूनिट्स या इकाइयां। अर्थात पॉलीमर में बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं। ध्यान दें, जो इकाइयां आपस में बार बार जुड़ती हैं और एक बड़े अणु को बनाती हैं, उन्हें हम मोनोमर कहते हैं या एकलक कहते हैं। तो मोनोमर से कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जो इकाइयां आपस में बार बार जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, उन्हें मोनोमर या एकलक इकाई कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में बार बार जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, उस प्रक्रम को या उस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। तो आइए हम समझें पहले कि मोनोमर या एकलक इकाइयां क्या होती हैं। जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए। तो हमने देखा कि ए अक्षर कितनी बार है, 5 बार है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए 5। तो हमने ये देखा, तो ये क्या हुआ, ये पॉलीमर हुआ, ये हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर। अब प्रश्न आता है कि मोनोमर क्या होते हैं। तो मोनोमर ये हमारे हुए, मोनोमर, यहाँ पे मोनोमर हुआ। देखिए मोनोमर हमारा क्या होगा, ए, और ये जो बना है पॉलीमर होगा। पॉलीमर में एक बात याद रखेंगे या एक धर्म वाक्य याद रखेंगे कि जो भी पॉलीमर होता है उसमें आपको बंध को तोड़ देंगे और दोनों साइड जोड़ देंगे। अर्थात हम पॉलीमर में एक बात याद रखेंगे कि बंध को तोड़ दो और दोनों साइड जोड़ दो। जैसे हमारे पास एक बहुलक मान लेते हैं, ये है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए के साथ द्विबंध लगा हुआ है और इसे बहुलक में बदलना है, यानी एक नंबर होता है। यदि हम इसे बहुलकीकरण करते हैं या इसका बहुलकीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा। अब देखिए धर्म वाक्य के अनुसार बंध को तोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दो। तो यहाँ पे द्विबंध है, एक बंध को हम ब्रेक डाउन करेंगे या तोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब जो बनेगा हमारे पास नया बहुलक, उसमें केवल एक ही बंध होगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इधर और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर होगा। तो हमने ये बना लिया, यही है आपका बहुलकीकरण, जिसमें यन अर्थात नंबर जितनी बार मोनोमर जुड़ता है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यन द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि बंध को तोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दो। इसे हम और अच्छी तरह से एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे CH2 और यहाँ पे CH2, हमने देखा कि यहाँ पे द्विबंध लगा हुआ है। तो इस द्विबंध को यदि, मतलब इस यौगिक को यदि आपको बहुलकीकरण में बदलना है तो क्या करेंगे, दो बंध को तोड़ दो और अर्थात द्विबंध या दो बंध जो हैं उसमें से एक बंध को आप तोड़ दीजिए, दोनों साइड जोड़ दीजिए। जब आप तोड़ेंगे तो आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया बहुलक बनेगा वो CH2 सिंगल बंध CH2 ये बन जाएगा, यन कर सकते हैं आप। और उसी प्रकार एक और हम देखते हैं CH2CHCl। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसे आप बहुलक में बदलिए तो कैसे बदलेंगे आप, यहाँ पे यन हो गया, आप करेंगे CH2 और यहाँ पर जो द्विबंध था एक बंध कर देंगे, ब्रेकेट बनाएंगे और यहाँ पे आधा बंधा जोड़ देंगे, उसके बाद CH2 कर देंगे और इधर आधा बंधा जोड़ देंगे। तो ये आपने देखा बहुलक को। ध्यान दें, बहुलक में एक ही प्रकार की इकाइयाँ नहीं जुड़ती हैं, अलग अलग इकाइयाँ भी जुड़ती हैं। जैसे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, राइटिंग पे ध्यान दें। और यदि न समझ में आए तो
तुम मैं बोल रहा हूँ, इसका सूत्र कैसे आप लिखेंगे थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऐसे आप ये बनाएंगे मेन का प्रतीक या क्रियात्मक समूह, और यहाँ पे CH2 जोड़ेंगे आप, और यहाँ पे CH2 छः बार रहेगा। रसायन विज्ञान के सूत्रों को याद करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे NH2 पुनः लिख देंगे, तो ये बन गया आपका जो बना हुआ है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। प्रश्न में आगे क्या करेंगे हम, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, एडिपिक अम्ल। प्रश्न उठता है एडिपिक अम्ल क्या होते हैं, तो एडिपिक अम्ल में होगा हमारा OH C के साथ द्विबंध, फिर आपका होगा CH2 4, मतलब चार बार होगा, और यहाँ पे होगा आपका C के साथ द्विबंध और बनेगा हमारा OH। तो इतना याद करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है एडिपिक अम्ल है। वर्णों को एक बार ध्यान दें, जो सूत्र लिखा गया है NH2 CH2 6 NH2 + OH, कार्बन के साथ द्विबंध और ऑक्सीजन CH2 4 times, अर्थात यहाँ पे चार बार लिखा गया है। फिर आपका सिंगल बंध के साथ डबल बंध, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और OH, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक समूह है। जोड़ने पर हमको प्राप्त क्या होगा, यहाँ से मिलेगा ये वाटर बना लेंगे ये वाले पार्ट, और ये वाला पार्ट भी वाटर बना लेगा। तो हमें बचेगा क्या, देखिए अभी यहाँ से हम करेंगे एक OH चला गया, अब हम ब्रैकेट बनाएंगे और इधर का जो इधर का बंध है उसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे H एक बचा हुआ है हमारे पास, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे CH2 छः बार है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। फिर आगे हम देखिए क्या करेंगे, कि हमारे पास OH था लेकिन ये दोनों वाटर बना लिए, तो हम इसे बाहर कर देंगे। अब हमारे पास बचा है NH, और यहाँ पे आगे है द्विबंधित कार्बन प्लस, नहीं करेंगे यहाँ पे त्रुटि हुई, आगे CH2 4 times CO कर देंगे। ये हमारा बहुलक प्राप्त हुआ यन टाइम, तो ये बहुलक है, अर्थात हमने आज बहुलक समझा, और अगले भाग में समझेंगे बहुलक का वर्गीकरण। धन्यवाद।